हमारे बीच में उपस्थित है आज की हमारी सम्मान मूर्ति। साथियों, आप जानते हैं कि भारतीय रेल एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा फील्ड है कि जो जन जन को उनके उद्गम से लेके उनके स्थान तक उनके मनोवांछित तक पहुंचाने का कार्यक्रम करता है। और सबसे बड़ा नेटवर्क अगर सर्विस क्षेत्र में कोई है तो वो भारतीय रेलवे का ही है। और अलवर पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से, करीब 25 वर्षों से सैंपल रेलवे मजदूर संघ में अपना महती योगदान दे रहे हैं प्रवीण वाजपेयी जी। मैं निवेदन करूंगा संयुक्त रूप से उज्जवल निगम जी और डॉक्टर योगेश दुबे जी हमारे आज की दूसरी सम्मान मूर्ति श्री प्रवीण वाजपेयी जी का सत्कार करेंगे। एक साथ पूरे एक साथ आ जाएंगे सब जन साथ में आ जाएंगे। एक मिनट मैं वाजपेयी साहब से अनुरोध करूंगा दो शब्द आशीर्वाद के कहेंगे। एक ऐसा चर्चित नेम नाम जिसे सब वाकिफ हैं, उसके सानिध्य में खड़ा होने का सौभाग्य बहुत बड़ी बात है। समझ के मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं उज्जवल निगम जी की बात कर रहा हूँ। जितने भी दहशत गर्द लोग थे उसके सीने पर किसी ने बात लिखी है तो वो उज्जवल निगम जी ने लिखी है। हमारे माननीय योगेश जी दुबे जी का नाम हमने बहुत सुना था उत्तराखंड के महासंघ में, कभी मिलने का उसे मौका नहीं मिला। कुछ हम भी इतने मसरूफ थे, आप भी इतने मसरूफ थे, बात नहीं हो गए, आज उनसे शामिल हो गया। हम तो रेल चलाते और रेल चलाते हुए दिल चलाते। हमने कभी भी ये नहीं देखा कि बगल में बैठा हुआ व्यक्ति कौन है। हमने उसे भी बिठाई थी, उसने मुझे भी बिठाई थी, हम सबने मिलकर खाई बिठाई। तो हम दिलों को जोड़ते हैं और यही उत्तर भारतीय महासंघ भी है जो सबको साथ में लेकर चलता है, सबको दिलों से लेकर चलता है। इस कार्यक्रम के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वैसे बोले नेता कहा था माइक आ जाए जल्दी छोड़कर, मैं भी छोड़ रहा हूँ। मैं इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं देते हुए आप सबको वंदन करता हूँ, आप सब सभी ऑडियंस का प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी साहब।